कोच साहब पाकिस्तान की टीम से हाथ रखियो, हौला टूरनामेंट की सब तो खतरनाक टीम के बॉलिंग कोच नू उन्हां दी बेगम का पैगाम। मैनू कोई हैरत नहीं होएगी जे अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान या इंडिया दे विचों किसे एक नू भी हरा दे। आखना है इंडिया दे ऑलराउंडर दा। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया ते मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली। नाज़रीन, एशिया कप की खबरां लै के मैं तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र हाँ। तो एशिया कप दे विच आख्या जा रहा है कि पाकिस्तान ते इंडिया जिहड़े हैगे ने ओ सारे लोकां दीआं नज़रां दे विच होणगे, पर इंज नहीं होया। एक ही टीम जिहदी इस वेले धुम है, जिहदी इस वेले चर्चा है, तो वह टीम है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल, जिन्हां नूं उन्हां दी वाइफ ने ट्विटर के उपर टैग करके आख्या कि कोच साहब पाकिस्तान दे नाल मैच दे विच हाथ हौला रखियो। इस गल नूं बहुत सारे लोगों ने शुगल दे विच ते मजाक च लिया, तो ये उपर बहुत सारिया मीम्स भी बनिया। पर उमर गुल ने आख्या है कि मेरा काम ये वे कि मैं अफगानिस्तान की फास्ट बोलिंग के डिपार्टमेंट नूं मजीद मजबूत करना है। एक वक्त से आख्या जाता सी कि अफगानिस्तान स्पिनर की टीम है, तो उन्होंने कोल राशिद खान, मुहम्मद नबी ते मुजीबुर रहमान की शक्ल दे विच आउट क्लास स्पिनर मौजूद ने। लेकिन जो उमर गुल ने अफगानिस्तान के बॉलिंग कोच की हैसियत दे नाल उहदी टीम नूं ज्वाइन किया, तो नाल ही लोगों नूं फजले हक फारूकी, नवीनुल हक करके बॉलर भी याद आ गए, क्योंकि ये फास्ट बॉलरस ने एशिया कप दे विच बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उमर गुल दी बेगम ने यह गल आखी है कि तुसी जिहड़ा हैगा वह पाकिस्तान के खिलाफ हाथ हौला रखियो, क्योंकि आख्या यह जा रहा है कि पाकिस्तान ते अफगानिस्तान का जिहड़ा मैच है वह बड़ा हाई वोल्टेज होएगा, तो वह बड़ा कठिन मुकाबला होएगा पाकिस्तान लई, क्योंकि अफगानिस्तान ने अपने दोवें मैच बड़े वड्डे तरीके नाल, सुथरे तरीके नाल, वन साइडेड तरीके दे नाल श्रीलंका ते बंगलादेश नूं हराए ने। ते अफगानिस्तान एशिया कप की पहली टीम हो गई जिन्होंने सुपर फोर मरले वास्ते क्वालीफाई किया, यानी कि सारियां तो पहले इंडिया ते पाकिस्तान तो पहले भी अफगानिस्तान ने सुपर फोर मरले से क्वालीफाई किया। इस वेले तीन टीम सुपर फोर च पहुंचियां ने, जिहदा नाम पाकिस्तान तो इलावा अफगानिस्तान है, इंडिया है, तो श्रीलंका है। पाकिस्तान अज हांगकॉन्ग के नाल अपना नाकआउट मुकाबला खेडेगी, यानी कि पाकिस्तान ये मुकाबला अगर जितेगी तो फिर पाकिस्तान सुपर फोर दे विच पहुँचेगी। तो उमर गुल की वजह तो अफगानिस्तान की जी फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो गया। अगली खबर जी है वह भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नाल है, तो वह खबर है रविंद्रा जडेजा की। रविंद्रा जडेजा ने यह गल आखी है कि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान या इंडिया नू सुपर फोर च हरा दिंदी है तो यह कोई हैरानगी वाली गल नहीं होएगी, इनू अपसैट कहना मजाक होएगा। उन्होंने आख्या कि यह हुण वो दौर नहीं हैगा कि अफगानिस्तान की टीम नू छोटी टीम तसव्वुर किया जाए। अफगानिस्तान के तकरीबन 8 to 9 प्लेयर्स IPL तो इलावा दुनिया च होने वाली मुख्तलिफ लीग्स भी खेलते हैं, तो उन्होंने T20 के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कहा कि वह ना सिर्फ एशिया कप की खतरनाक टीम है, बल्कि वर्ल्ड कप के भी अफगानिस्तान की टीम बाकी टीमों वास्ते गले की हड्डी बन सकती है। इस वेले अफगानिस्तान की टीम जी है सुपर फोर मरले के है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम नू अगर पाकिस्तान या इंडिया की हराम की सूरज अपसैट किया जाए तो यह गल वाकई मजाक है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है अपने विच, बहुत उमदे तरीके दे नाल नवीं नवीं चीज़ां लैके आए ने। उन्होंने अपनी टीम कॉम्बीनेशन इस तरीके ना बना लिया है कि ना सिर्फ बॉलिंग साइड बल्कि अफगानिस्तान की बैटिंग साइड भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि 2008-09 दे विच जदों अफगानिस्तान ने इंट्री मारी सी क्रिकेट च, तो यही समझा जा रहा है कि जिस तरह बाकी छोटिया टीमां जिम्बावे, बंगलादेश, कीनिया, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, आयरलैंड, इस तरह की टीमों को छोटी टीम तसव्वुर किया जाता है, तो अफगानिस्तान भी इस तरह ही करेगा। लेकिन अफगानिस्तान ने आंदे ही वड्डियां वड्डियां टीमों को वक्त पा दिता है। जडेजे के इस बयान तो बाद यकीनन अफगानिस्तान के जिन्ने भी प्लेयर्स है या टीम मैनेजमेंट हैगी है उन्होंने मजीद हौसला अफजाई होएगी। हुण सुपर फोर दे विच वेखना है वे कि पाकिस्तान नू या इंडिया नू अफगानिस्तान हरांदी है या नहीं। उन्नी देर तक तुसी देखते रहो इंडोज़ टीवी ऑस्ट्रेलिया।